बसमिल उर्दू जमात अवल की किताबें खुश आहदेद आज हम सबक एक इशारिया दो का आगाज़ करेंगे यानी पहले बाब के दूसरे हिस्से का आगाज़ करेंगे और सबक है पहला हिस्सा और पहले हिस्से में हम इन श्ला हरूफ की इब्तिदाई इश्काल को पढ़ेंगे इसकी इब्तिदाई शक्ल कैसे होती है तो चलते हैं अपने सबक का आगाज करते हैं अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में आपको ये बताया था जब हम पहला सबक पढ़ रहे थे हरूफ तहजी का तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ये तमाम हरूफ तहजी जो आपके सामने लिखे हुए हैं अलीफ बे पे बड़ी ये तक इनको सालिम शक्ल वाले या मुकम्मल शक्ल वाले हरूफ तहजी कहते हैं आज हम पढ़ेंगे उसकी आधी इशकाल कि उसकी आधी शक्ल भी होती है और आज का हमारा ऐसे लो भी यही है कि हरूफ तहजी की आधी इश्काल लिख सके तो आदिश इश्काल क्या होती है पहले हम वो सीखेंगे और ये कब इस्तेमाल होती है ये भी जानेंगे और उनकी शक्ल को लिखना भी सीखेंगे इन शह सबसे पहले आपसे एक सवाल है आप सब बच्चे अपनी उर्दू की कॉपी निकालें और सब बच्चे अपना अपना नाम लिखें जैसे मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं मेरा नाम है जिया क्या नाम है जिया तो आप सब सब बच्चे अपनी उर्दू की कॉपी निकालें और उस पर बड़ा करके और खुशखत करके अपना नाम लिखें फिर हम आगे चलते हैं और सबक का आगाज करेंगे जी तो बच्चों आपने अपना नाम लिख लिया अब देखें ये मैंने अपना आपके सामने नाम लिखा था इसमें कौन कौन से हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं सबसे पहले है स्वाद उसके बाद है ये उसके बाद है अलीफ ठीक हो गया अब देखें ये सुध इसकी शक्ल ये भी है और ये भी है ये हमने पहले पढ़ ली है और ये है सालम शक्ल वाली ये है इसकी आदि शकल या मुख्तसर शकल है इसी तरह ये की मुकम्मल शक्ल हमने पहले सबक में सीखी थी और ये है उसकी आदि शकल जो यहां पर मौजूद है मेरे नाम में तो समझ के आया समझ ये आया कि जब हरूफ तहजी अलग अलग लिखे जाते हैं अलग अलग लिखे जाते हैं तो वो मुकम्मल शक्ल में सालिम शक्ल में लिखे जाते हैं जैसे आपके सामने कुछ हरूफ तहजी लिखे हैं ये अलिफ बे जीम, मीम, स्वाद सीन लाम नून और छोटी ये। अब ये तमाम हरूफ तहजी अलग अलग लिखे हैं इसलिए ये क्या है मुकम्मल शक्ल है इनकी ये इनकी सालिम शक्ल है जैसे कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था लेकिन इन्हीं को मिलाकर जब हम कोई लफ्ज बनाते हैं रूफ से को रूप तहजी को मिला लेते हैं और कोई लफ्ज बनाते हैं तो इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है इनकी मिसालों से पहले मैं एक आसान सी मिसाल यहां पर लिख लेता हूं यह है सीन और यह है रे सीन और रे जब सीन और रे को मिला के मैं सर लिखता हूं तो इस सीन की शक्ल भी तब्दील हो जाती है और रे की शक्ल भी तब्दील हो जाती है इसे कहते हैं कि जब हरूफ तहजी मिलकर आते हैं और कोई लफ्ज बनता है जिसका कोई माना होता है तो उसका उस, उस शक्ल क्या होती है तब्दील हो जाती है जैसे मिसाल के तौर पर हमने पिछली स्लाइड में आपको हरूफ तहजी अलग अलग लिखे हुए दिखाए इन हरूफ तहजी को अब जब हमने यहां पर मिला के लिखा तो इनकी शक्ल देखिए तब्दील हो चुकी है या मुख्तसर हो चुकी है या तो उनकी शकल तब्दील हो जाती है या ख्सर हो जाती है जैसे यहां पर रे की शक्ल क्या हो गई तब है तब्दील हो गई है मुख्तर नहीं हुई अब देखें यहां पर क्या है कौन सा हरफ ताजी है पे इसकी शक्ल तब्दील है यहां पर बे की शक्ल देखें यहां पर जीम की और मीम की शक्ल देखें यहां पर आइन की शक्ल देखें यहां पर सीन की शक्ल आप देखें यहां पर स्वाद की शक्ल देखें यहां पर आप मीम की शक्ल देखें तो ये तमाम हरूफ जब किसी लफ्ज के लिए एक साथ मिलकर आते हैं तो उनकी शक्ल क्या होती है तब्दील हो जाती है जब ये किसी लफ्ज के शुरू में आते हैं या दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं आज जैसे मिसाल के तौर पर हरव तहजी, तहजी क्या है बे बे को जब हमने अलिफ से मिलाया तो उसकी शकल देखें कैसी हो गई है तब्दील हो गई है इसी बे को जब हमने वो से मिलाया उसकी शक्ल देखें तब्दील हो गई है इसी बे को जब हमने छोटी ये से मिलाया तो उसकी शक्ल ये हो गई है और हमें पहचान कैसे होती है एक नुक्ते के जरिए से जो उसका बेक यहाँ मौजूद है इसी तरह ये बे जब बड़ी ये से मिलकर आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है और जब ये बे रे से मिलकर आता है तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है और ये जब जीम या जीम चे हे या खे से मिल आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है तो देखिए कैसे एक हरफ तहजी की मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने आई हैं। इसी तरह हरफ तहजी जीम की मिसाल ले लें किसकी मिसाल ले लें जीम की मिसाल ले लें जीम को जब हमने अलिफ के साथ मिलाया तो उसकी शक्ल देखें तब्दील हो चुकी है जब वाऊ के साथ मिलाया तो फिर इसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है जब छोटी ये के साथ मिलाया जब बड़ी ए के साथ मिलाया जब रे के साथ मिलाया या जीम के साथ मिलाया तो हर सूरत में उसकी शक्ल क्या हो गई है तब्दील हो चुकी है और जीम की असल शक्ल बाकी नहीं रही ये है हमारा आज का सबक कि सबकूफ तहजीब कि हर हर जब हरूफ़ से मिलकर आता है हरूफ़ से देखे यहाँ पर मिला तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है जैसे हरूफ तहजीबे की और जीम की शक्ल हमने यहां पर आपके सामने लिखी है अब जब हर्फ तहजी किसी लफ्ज के आगाज में यानी शुरू में आते हैं शुरू में आते हैं तो उनकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है जैसे देखें जीम ही की मिसाल ले लें जीम जामन जूता यहाँ पर जीम की शक्ल देखें जीता में देखें जज के जो पहला जीम है उसको देखें और जुराब का जो पहला जीम है उसको देखें यहां पर हर जीम की शक्ल दूसरे से क्या है तब्दील है और हर जीम दूसरे से तब्दील है और अलग अलग है ये क्यों हुआ जब हमने हरूफ तहजी को लफ्ज़ में तब्दील किया और वो हर्फ किसी और हर्फ से मिलकर आया अब देखिए लेकिन आपको मालूम है जैसे कि बास बच्चे क्या होते हैं शरारती होते हैं ऐसे ही बास बासूफ तहजी भी क्या होते हैं शरारती होते हैं और वो कैसे होते हैं कि ये हरूफ तहजी जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो इनकी शक्ल तब्दील नहीं होती ये अपने बाद आने वाले हर्फ से हमेशा अलग लिखे जाते हैं जैसे दांत दाल क्या है एक शरारती हर्फ है और ये अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ कभी नहीं मिलाता वो इससे अलग होते हैं और जब ये किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाएं, तो ये पहले वाले हर्फ से तो मिल जाते हैं लेकिन बाद वाले हर्फ से नहीं मिलते इसकी आसान सी मिसाल देखिए मैं कहता हूं देर क्या कहता हूं देर अब ये दाल क्या है शरारती हर शुरू में आया ना अब देखिए इसने ये को अपने से क्या कर दिया अलग कर दिया लेकिन यही दाल जब किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा तो फिर क्या होगा ये पहले वाले हर्फ से तो मिल के आएगा जैसे मदद में ये दाल मीम से मिल गया लेकिन अगले हर्फ से ये नहीं मिलता उसको अपने से अलग कर देता है ऐसे ही शरारती हरूफ वो हरूफ है जो अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो उनकी शक्ल तब्दील नहीं होती इसलिए कि ये अपने बाद वाले हर्फ को अपने साथ नहीं मिलाते उससे दूर रहते हैं और जब ये किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाए तो ये पहले वाले हर्फ तो मिल जाते हैं लेकिन अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलते और ये कितने हरूफ हैं यह कुल नो हरूफ है और यह कुल नो हरूफ है जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है और यह कौन कौन से हैं यह है, है अलिफ दाल, दाल साल रे रे जे ये और वाव ये हैं हमारे शरारती नौ हरूफ तीन तीन छः, सात आठ और नौ हरूफ ऐसे हैं जो कि शरारती हरूफ हैं और इनकी मिसाल क्या है आपके सामने लिखी है अब देखें अनार अलिफ शुरू में आ गया अपने बाद वाले नून को उससे अलग कर दिया उसके बाद दोबारा अलीफ आया अनार में लेकिन ये नून से तो मिल गया लेकिन रे को उसने अपने आप से अलग कर दिया इसी तरह दिन नून को अलग कर दिया डाली को देखें अलग कर लिया और ये अलीफ ने लाम को अपने आप अप से अलग कर लिया जिम्मा ये क्या है जाल इसने मीम को अपने आप से अलग कर दिया रुख रे ने काफ को इसी तरह रे ने इस हे को अपने आप से अलग कर दिया वाओ और जे दोनों के हैं शरारती हरूफ इसलिए दोनों अलग अलग हैं और जे ने नून को भी अलग कर लिया इसी तरह, इसी तरह लड़का में रे ने काफ को अपने आप से अलग कर दिया मदद की मिसाल हमने पहले दे दी है इसी तरह सिरका में रे शरारती हरफ है और इसने काफ को अपने आप से अलग कर दिया और माल्टा में क्या है अलिफ और अलिफ भी चूंकि शरारती हरफ है लिहाजा इसने भी अपने बाद आने वाले हरफ तहजी को अपने आप से अलग कर दिया अब यह हैरूफ तहजी के मुख्तर अशकाल और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि हरूफ तहजी जब अलग अलग लिखे जाए तो पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं लेकिन जब ये मिल के आते हैं तो इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है अब देखते हैं कि किताब में इसको कैसे वाजह किया गया है कि हरूफ तहजी अकेले लिखे हों तो वो मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं लेकिन जब मिलाकर लिखी जाए जैसे हमने मुख्तिक मिसालें आपके सामने रखी तो बाज़रूफ तहजी की शक्ल आदि और तब्दील हो जाती है यानी आदि होती है और तब्दील हो जाती है जैन में हरूफ तहजी की इब्तदाई दरमिया और आखिरी इश्काल दी गई हैं आज के सबक में और इस वीडियो में हम इन सिर्फ इब्ताई इश्काल को पढ़ेंगे दरमिया और आखिरी शक्ल इनशा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और ये हैं शरारती नो हरूफ और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि इनकी इब्तदाइश इश्काल में कोई तब्दीली नहीं होती इसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि ये अपने बाद आने वाले हरूफ से हमेशा अलग रहता है जब अलग रहता है तो इसकी शक्ल तब्दीली नहीं होती जैसे दाल है वाओ है रे है और अलीफ है ये अपने बाद वाले हरफ से क्या होते हैं अलग होते हैं फासले पर होते हैं इसलिए इनकी शक्ल तब्दील ही नहीं होती जब ये शुरू में आते हैं अब आपके सामने किताब अगर आप खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस कॉलम में सालम शक्ल वाले या मुकम्मल शक्ल वाले हरूफ तहाजि मौजूद है और उसके सामने हर हर्फ की इब्तदाई शक्ल लिखी गई है जब वो मुख्तफ हरूफ से मिल के आता है पहले कॉलम में जब वाऊ से मिल के आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है जब छोटी ये से मिल के आता है उसकी शक्ल क्या होती है जब ये बड़ी ये से मिल के आता है या रे से मिल के आता है या जीन या उसके खानदान से मिल के आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है ये तमाम मिसालें आपकी किताब में मौजूद हैं आपने अभी इस वीडियो को यहीं रोकना है और इस जितना पढ़ा सकते हैं जितना उनके लिए सहूलत हो और आसानी हो उतने हरूफ तहाजी चाहे वो बे का ख़ानदान हो वो जीम के ख़ानदान तक पढ़ा सकते हैं जो उनको सहूलत हो उस खानदान के हरूफ उसकी अश्काल और इस, इस और इन अशकाल के मुताबिक मुख्त अलफाज मुख्तर अलफा आप बच्चों को सिखाएं और पढ़ाएं और उसके मुताबिक हम सरगर्मियां भी करेंगे और इन आगे जाके आपको घर का काम भी देंगे अब आज की सरगर्मी क्या है कि तलबा को चार चार की टुकड़ियों में तकसीम करें जो हर खानदान के किसी एक हर्फ से एक एक लफ्ज बनाए जो ग्रुप सबसे पहले अल्फाज बनाए उसको इनाम दें यानी चार चार की टुकड़ियों में तकसीम करके आपने हर एक खानदान के किसी एक हरफ़ से यानी बे का खानदान जीम का खानदान दाल का खानदान रे का खानदान किसी भी खानदान से या वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक हरफ तहजी से वो अल्फा बनाएं दो दो या तीन तीन या चार चार जितने बच्चे उस ग्रुप में मौजूद हैं उसके मुताबिक अलफाज बच्चों से बनवाएं और ज़रूरी बात उन अल्फाज में मौजूद हरूफ की अशिकाल इब्तदाई और मुख्तर अश्काल भी ज़रूर उनकी पहचान करवाएँ और आगे क्या है सरगर्मी बे के खानदान के हरूफ की इब्तदाई इश्काल का नक्शा बनाएं जैसे आज के सबक में भी मौजूद है इसी तरह अगर आप एक एक हिस्से को बे ते टे और से बे पे ते टे से पांच हिस्सों में तकसीम करके हर एक ग्रुप को हर एक टुकड़ी को और हर एक टोली को एक हर्फ की मुख्तफ इश्काल लिखने का कहें और ये एक्टिविटी आप इस क्लास में जब तक ये सबक चल रहा है दो दिन या तीन दिन आपने ये सरगर्मी करवानी है और घर का काम क्या है वालदे के साथ मिलकर हर हरफ तहजी से एक एक लफ्ज़ बनाएं और इसके सामने उस हर्फ की मुकम्मल शक्ल लिखें जैसे अगर मैं आइन से कोई लफ्ज़ बनाता हूँ अकल तो मैं उसकी आधी शक्ल को दायरा लगाकर उसके सामने उसकी मुकम्मल शक्ल लिख लूंगा ये है आपके घर का काम और अगर हम मश की बात करें तो आपके सामने जो सवाल नंबर एक है आपने ये सवाल को गौर से पढ़ना है और जब जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है आपने उसका इंतख्य कर लेना है जैसे हरूफ तहाजी मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं कब जब मिलकर लिखे जाएं या अकेले लिखे जाएं अलग अलग लिखे जाएं जाहिर है जब अकेले लिखे जाएंगे तो तब ही उनकी शक्ल क्या होती है मुकम्मल इसी तरह आपने बाकी सवाल को पढ़ना है और दुरुस्त जवाब का इंतख्य करना है और सवाल नंबर चार भी इस अगर अभी करवाना चाहें तो अभी करवा लें सरगर्मी भी हो सकती है और अगर घर का काम की सूरत में घर के काम की सूरत में देना चाहें तो तब भी ये घर का काम दे सकते हैं और आज हमने हरूफ तहजी की इब्तदाई इशकाल पढ़ी इन कल नए सबक में हम उसकी दरमिया और आखिरी शक्ल को पढ़ेंगे आपने ये सीखा जाना इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अमली मश करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको हरूफ की इश्काल आएँगी तो इस वीडियो की पी उसका लेसन प्लान और वर्कशीट आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आपने इसको ज़रूर डाउनलोड करके हल करके अपने इस को दिखाना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज